गाइस कब एक ब्रांड न्यू लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हैं जिसमें आप फिल्मोरा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एफएल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड या एमएस ऑफिस को इजीली यूज कर सके, तो आज की इस वीडियो में ऑनर मैचबुक X16 प्रो लैपटॉप के बारे में जानेंगे जो हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च तो हुआ है। और आपको ऑनर के इस लैपटॉप में इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर, FHD, IPS पैनल, फिंगरप्रिंट रीडर, पिलोटेड विंडोज क्लैंप रॉम देखने को मिल जाएगी, जिससे लैपटॉप उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल डील रहेगा जो शानदार परफॉर्मेंस के संग लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस वाला लैपटॉप बाय करना चाहते हैं अंडर 60 के। और फ्रेंड्स बता दूं, इसमें कई एडवांस की फीचर्स भी दिए गए हैं जिनके बारे में आगे जानेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इस लैपटॉप के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा या नहीं। सो इट ऑब्वियसली मोर मोमेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस चलिए सबसे पहले जानते हैं इस लैपटॉप के सीपीयू के बारे में। हमें इस लैपटॉप में इंटेल का कोर i5-13420H प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है। एक इंटेल 13 जनरेशन रैप्टर लेक एच सीरीज का प्रोसेसर है जो लास्ट ईयर 2023 में लॉन्च हुआ था। तो ये प्रोसेसर 2.1 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड पे रन करता है जो 4.6 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम बूस्टेबल है। पर इस प्रोसेसर में टोटल 8 कोर्स और 12 थ्रेड्स प्रोवाइडेड है। और बता दूं, इसमें भी पी कोर्स और ई कोर्स का फंडा देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस कोर्स में आपको 4 कोर और 8 थ्रेड्स दिए गए हैं, जबकि एफिशिएंट कोर्स में 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स रहने वाले हैं। और इनकी क्लॉक फ्रीक्वेंसीज में भी काफी डिफरेंस है जो लैपटॉप की सिंगल या मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंसेज को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देंगे और ये सीपीयू को काफी वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। और अगर फ्रेंड्स में इस प्रोसेसर के बेंचमार्क कोर्स का कंपैरिजन इंटेल के 12 जनरेशन कोर i5-12450H प्रोसेसर के साथ करूं तो आप देख सकते हैं कि सिनेबेंच R23 के सिंगल कोर में 8% तक और मल्टी कोर में 20% तक का बूस्ट है, जबकि पास्मा के सिंगल कोर में 2% और मल्टी कोर में 9% तक का बूस्ट देखने को मिलता है। जिससे आप इस लैपटॉप में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, 1080 पिक्सल्स पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इसको एंड्रॉइड ऐप्स या वेब डिजाइनिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और आप इस लैपटॉप में एफएल स्टूडियो के जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। इतना ही नहीं, आप इस लैपटॉप को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने अदर ऑफिस वर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो आपको इसमें इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा जो डायरेक्ट एस 12 वर्जन के साथ आता है। ये सब इस पर नॉर्मल ग्राफिक सेटिंग्स पर GTA 5 कॉल और GTA फ्री फायर के जैसे गेम्स खेल सकेंगे, वो भी लैग फ्री। बट स्टिल फ्रेंड्स ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, इसलिए आप इसे हाई लेवल्स पर गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड प्रोवाइडेड नहीं है। इस लैपटॉप की स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो हमें इसमें 512 GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज ड्राइव लगी मिलने वाली है, जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपको यहाँ पे फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस देखने को मिल जाएगी। और रैम की बात करूं तो ये लैपटॉप डायरेक्ट 16 GB की ऑनबोर्ड LPDDR4X रैम के सपोर्ट के साथ आता है, जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 4.26 MHz तक की रहने वाली है। पर गाइस ऑनबोर्ड रैम होने के कारण आप इस लैपटॉप की रैम को फ्यूचर में रिमूव या अपग्रेड नहीं कर सकेंगे, जो इस लैपटॉप का एक माइनस पॉइंट है। और इस लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पिलोटेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगी विद लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस, जिससे आप इस विंडोज 11 की सारी एप्लीकेशन को यूज कर सकेंगे, जो काफी अच्छी बात है। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है 16 इंच का फुल HD डिस्प्ले और एक IPS पैनल है जो एंटी ग्लेयर कोटिंग के सपोर्ट के साथ आता है। और इसमें प्रोवाइडेड है 300 nits तक की पिक ब्राइटनेस एंड 100% sRGB कलर गैमेट, जिससे आप इस लैपटॉप में कलर कैप्चर एंड कलर एक्यूरेसी वाले काम भी कर सकेंगे। और इसके डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस काफी इंप्रेसिव है। और बता दूं, इसके डिस्प्ले में 4-sided अल्ट्रा नैरो बेजल्स दिए गए हैं और बेजल्स की थिनेस ओनली 4.5 mm है। और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89% तक का रहने वाला है, जिससे आपको इसमें काफी बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम एंड डिज्नी हॉटस्टार पर मूवीज एंड वेब सीरीज को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। और एंटी ग्लेयर कोटिंग के सपोर्ट के साथ आपको इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा और आप बिना डिस्ट्रैक्ट अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ऑनर के इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी एक्सीलेंट है। इसकी बिल्ड में कंप्लीट मेटल का यूज किया गया है, जिससे इस लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी दूसरे लैपटॉप के कंपैरिजन में। और एक ओनर का काफी प्रीमियम क्वालिटी वाला लैपटॉप है, काफी स्लिम डिजाइन के साथ आता है। इसकी थिनेस भी काफी कम है, ओनली 17.9 mm। इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसके बॉटम में रबर की सोयर वेंट दिया गया है जो लैपटॉप एक अच्छी ग्रिप और कूलिंग बनाए रखेगा। इस लैपटॉप का वेट 1.75 kg तक के अराउंड है और ये मॉडल ग्रे कलर में आता है। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इसमें फुल साइज का कीबोर्ड देखने को मिलता है विद डेडिकेटेड नंबर पैड। कीबोर्ड के कीज के बीच का अलाइनमेंट काफी बढ़िया है और आपको इसमें 1.5 mm का की ट्रैवल देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी कंफर्टेबली टाइपिंग कर सकेंगे। और बता दें, इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड का फीचर भी इनबिल्ट है, जिससे आप इस लैपटॉप को लो लाइट या डार्क कंडीशन में यूज कर सकेंगे। और सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूं तो इस लैपटॉप के पावर बटन में फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप इस लैपटॉप में बिना पासवर्ड एंटर करे लैपटॉप को जस्ट वन स्कैन में लॉगिन कर सकेंगे। और ट्रैकपैड की बात करें तो इसमें डिसेंट साइज का ट्रैकपैड देखने को मिलता है
जो विंडोज लैंग के साइज जैसेस को सपोर्ट करता है। और बैटरी लाइफ को जबरदस्त बनाने के लिए ओनर ने इस लैपटॉप में 60 वॉट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी दी है, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और वैक्यूम की बात करें तो इसमें 720 पिक्सल वाला HD वैक्यूम दिया गया है, वो भी बिल्ट इन माइक्रोफोन्स के साथ, जिससे आप ज़ूम पर वीडियो कॉलिंग एंड मीटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। और स्पीकर्स में यहाँ पर आपको इसके बॉटम में डुअल स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी और आप इसमें मल्टीमीडिया को फुल एंड एंजॉय कर सकेंगे। और पोर्ट की बात करें तो इस लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 USB Type-C पोर्ट, 1 USB Type-A पोर्ट एंड 1 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको 1 USB Type-A पोर्ट एंड 1 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। और चले गए सब बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर, लैपटॉप यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएंगे। ओनर का लैपटॉप ऑफिस या बिजनेस रिलेटेड वर्क हो, एडिटिंग या मल्टीटास्किंग हो, या डेली लाइफ के टास्क के लिए एकदम परफेक्ट मॉडल है। इस लैपटॉप में 60,000 रुपए तक के बजट के अंडर में काफी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको इसमें 16 इंच का 1080 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग IPS पैनल। और इसमें इंटेल का 13th जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर दिया गया है, जो हमारा H सीरीज का 8 कोर 12 हर्ट्ज का प्रोसेसर है। और इसमें 16 GB रैम के साथ 512 GB SSD स्टोरेज लगी मिलती है। और इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम देखने को मिल जाती है विद लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस। और लैपटॉप कंप्लीट मेटल बॉडी के साथ आता है। और इसमें HD वैक्यूम प्रोवाइडेड है विद बिल्ट इन माइक्रोफोन्स। और आपको इस लैपटॉप में टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, इस लैपटॉप में बैकलाइट, कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर के जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस है किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और आप अपने डेली लाइफ के टास्क फास्ट एंड इजीली कर सकेंगे। इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है, आप इसे 7-8 आवर्स तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में ओनर के लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और प्राइसिंग की बात करूं तो इस लैपटॉप की कीमत है 58,990 रुपीस और आप इस लैपटॉप को डायरेक्ट अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आपको 5-10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आप चाहो तो इस लैपटॉप को EMI पर भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके की वीडियो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए गाइस, सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।